फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजाज गुड लाइफ। आज हम फिर आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो मैं आज आपको अपनी रेसिपी में नवरात्रों से रिलेटेड ही कुछ सिखाऊंगी। तो चलो आइए सीखते हैं। आज मैं सिखाऊंगी आपको कुट्टू के आटे और सवां के चावल को मिक्स करके आलू और पालक की पूरी, जो कि नवरात्रों में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल किए हुए आलू और एक कटोरी कुट्टू का आटा, एक कटोरी सवां के चावल का आटा, और मैंने कुछ पालक के पत्ते लिए हैं, उन्हें बारीक कट कर लिया है। नमक चाहिए होगा और हमारे को थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और कटी हुई हरी मिर्च। तो चलो आइए बनाना शुरू करते हैं। इस पूरी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर खाली परात लेंगे और उसमें मैं कुट्टू का आटा डाल दूँगी और एक कटोरी ही हम सवा के चावल का आटा इसमें डालेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे पालक जो बारीक कटी हुई है। क्रिस्पी टेस्ट के लिए हम हरी मिर्च डालेंगे और हाफ स्पून मैंने नमक लिया है, वो भी हम इसमें मिला देंगे। आलू को हम इसी के अंदर, बॉयल किए हुए आलू जो हैं, इन्हें हम अच्छे से मैश कर देंगे। आलू डालने से और पालक डालने से हमारी जो पूरी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इस हम सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आप लोग व्रत में पालक खाते हैं तो आप पालक डालें, नहीं तो आप पालक को स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। आलू को भी मैंने इसमें अच्छी तरह से मैश कर दिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमें इस आटे को टाइट गूंदना है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगी और ऐसे ही इसको भी मिला दूंगी। ऐसे ही मैं सारा आटा आपको गूंद कर दिखाती हूँ। आटा हमारा अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इसे पूरी की शेप फॉर्म में बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ऑयल लेंगे, हाथ पर लगाएंगे और इतना सा आटा हम लेंगे, उसे राउंड करेंगे पहले और फिर ऐसे हाथ पर थपथपाते हुए पूरी की फॉर्म में इसे हम बना देंगे। देखिए, बनाना बहुत ही आसान है। ऑयल की वजह से ये चिपकेगा नहीं और टूटेगी भी नहीं। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। जितना चाहे आप इसे पतला कर सकते हैं। अब हम इसे गैस में, मैंने कढ़ाई रखी है और ऑयल भी गर्म कर दिया है, इसमें मैं इसको डाल दूंगी। ये देखिए, गलना शुरू हो गई है। इसे हम अच्छी तरह से डीप फ्राई करेंगे। अभी हम इसे अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे, हाफ फ्राई करके हम इस पूरी को कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसे कढ़ाई से बाहर, अब मैंने दूसरी पूरी को भी बना दिया है। ये देखिए, अब इसे भी मैं हाफ फ्राई करूंगी। हाफ फ्राई हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो है मिक्सचर जो बीच में से कच्चा रह जाता है, जब हम इसको दोबारा से फ्राई करते हैं तो ये अच्छी तरह से पक जाती है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी लगती है, टेस्टी लगती है। तो ऐसे ही इसको हम हाफ फ्राई करके बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, अभी ये हाफ फ्राई है, इसे मैं कढ़ाई से बाहर निकाल देती हूँ। अब हम इसी ऑयल में हाफ फ्राई जो हमने पूरी की है उसको दोबारा से इस कढ़ाई में डालेंगे।
और इसे अच्छी तरह से हम पका देंगे, डीप फ्राई करेंगे। इन पूरी के साथ हम आलू की सब्जी, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी वो खा सकते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ही टेस्टी बन जाती है और हमारे खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और क्रिस्पी भी हो गई है। ये देखिए, अब मैं इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल दूंगी। ये हमारी नवरात्रा व्रत के लिए स्पेशल थाली बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जिसमें हमने कुट्टू के आटे और समा के चावल के आटे की पालक और आलू मिलाकर मिक्स पूरी बनाई है और साथ में आलू की सब्जी, इमली की चटनी और पुदीने की चटनी, और हाँ, मिर्च के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। एक चीज़ और, आप इसमें दही का रायता भी ले सकते हैं। तो आपकी स्पेशल थाली, नवरात्रा स्पेशल बिल्कुल तैयार है।